नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण कल से शुरू होने जा रहा है। कल इस यात्रा में भारी भीड़ होने की संभावना के कारण मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पदयात्रा के दौरान दिल्ली गाजियाबाद के रूटों पर लोगों को आवाजाही में दिक्कतें होंगी। लोगों को कम परेशानियों का सामना करना पड़े, इसके लिए जगह जगह कल रूट डायवर्जन देखने को मिलेंगे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत होते हुए 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफर तय कर चुकी ये यात्रा यूपी में 3 जनवरी यानी कल से शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी के रास्ते पश्चिमी यूपी में दाखिल होगी। यहां से 120 किलोमीटर बाद 5 जनवरी को हरियाणा पहुंचेगी। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा आमंत्रण भेजे जाने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने धन्यवाद किया। अखिलेश ने यात्रा के लिए आमंत्रित किए जाने पर पत्र लिखकर कहा कि भारत जोड़ो अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं। भारत सिर्फ एक भौगोलिक विस्तार से अधिक है, ये प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सद्भाव से एकजुट है। आशा है कि ये यात्रा हमारे देश की इस समावेशी संस्कृति को संरक्षित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने का निमंत्रण नहीं मिला है। अखिलेश ने यह भी कहा था कि भाजपा और कांग्रेस एक ही हैं। वहीं मायावती ने भी जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं तथा श्री राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। बता दें, अखिलेश यादव के द्वारा सख्त टिप्पणी किए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि देश में राजनीति में कुछ बाध्यताएं होती हैं, लेकिन अखिलेश और मायावती से कुछ रिश्ता तो है। भारत जोड़ने का, वो भी देश को तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। 5 जजों की बेंच ने 4-1 से यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में दायर सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी रामन सुब्रमण्यन ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया, जबकि जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने बहुमत से अलग फैसला सुनाया है। लाइव लॉ के मुताबिक बहुमत वाला फैसला जस्टिस गवई ने सुनाया, जबकि दूसरा फैसला जस्टिस नागरत्ना ने सुनाया। बताना होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला लिया था, जिसके तहत 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा की गई नोटबंदी को वैध ठहराते हुए उसके पक्ष में जस्टिस गवई ने कहा कि नोटबंदी के फैसले का उद्देश्य कालाबाजारी, आतंकवाद के वित्त पोषण आदि को समाप्त करना था। उन्होंने कहा, यह प्रासंगिक नहीं है कि उन उद्देश्यों को हासिल किया गया या नहीं किया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच इस फैसले को लिए जाने से पहले 6 महीने से ज़्यादा वक्त तक बातचीत चली थी। अदालत ने कहा, इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार का केंद्रीय बोर्ड से बातचीत करना ज़रूरी होता है। आर्थिक नीति के मामलों में संयम रखा जाना जरूरी है। फैसले लेने की प्रक्रिया को केवल इसलिए दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार से आया था। बेंच ने आगे कहा कि करेंसी एक्सचेंज के लिए 52 दिनों की निर्धारित अवधि को गलत नहीं कहा जा सकता। नोटबंदी को सही ठहराते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी के मामले में फैसला आरबीआई के बोर्ड की मंजूरी के बाद ही लिया। लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने कहा कि आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) के तहत केंद्र सरकार को नोटों की किसी भी सीरीज को डिमोनिटाइज करने का अधिकार है और इसका इस्तेमाल नोटों की पूरी सीरीज को डिमोनेटाइज करने के लिए किया जा सकता है। नोटबंदी पर सुनवाई करने वाली संवैधानिक बेंच में शामिल जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने बहुमत से दिए गए फैसले से असहमति जताई। उन्होंने अलग फैसले में कहा कि नोटबंदी का फैसला कानून के जरिए होना चाहिए था, ना कि अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी। उन्होंने नोटबंदी को गलत माना और कहा कि नोटबंदी गैर कानूनी थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में से केवल एक जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने नोटबंदी को गैरकानूनी कहा। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार की अधिसूचना के जरिए ना होकर विधेयक के जरिए होना चाहिए था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखना चाहिए था। इस महत्वपूर्ण मसले पर संसद को बेखबर नहीं रख सकते। लाइव लॉ के अनुसार उन्होंने कहा कि आरबीआई द्वारा दिए गए रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि आरबीआई के द्वारा स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं लिया गया, बल्कि सब कुछ केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक हुआ और नोटबंदी करने का फैसला सिर्फ 24 घंटे में ही लिया गया। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने अपने अलग फैसले में कहा कि आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से आएगा
और अगर केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी की पहल की जानी है तो ऐसी शक्ति लिस्ट एक की एंट्री 36 में है जो मुद्रा सिक्का कानूनी निविदा और विदेशी मुद्रा की बात करती है। उन्होंने कहा कि जब नोटबंदी का प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आता है तो ये RBI एक्ट की धारा 26(2) के अंतर्गत नहीं आता। उन्होंने कहा ये एक कानून के रूप में है और अगर गोपनीयता की जरूरत है तो एक अध्यादेश के जरिए लागू होता है। जस्टिस नागरत्न ने फैसले पर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला कानून लाकर लाना चाहिए था, एक गजट नोटिफिकेशन लाकर नहीं। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि संसद देश की परछाई है, लोकतंत्र के केंद्र संसद को इतने गंभीर मुद्दे पर दूर नहीं रखा जा सकता। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोल दिया और माफी की मांग की। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उच्चतम न्यायालय का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, ये फैसला देश हित में किया गया था और आज अदालत ने इस निर्णय को सही पाया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जस्टिस नागरत्न की राय का भी सम्मान है, लेकिन उन्होंने भी ये माना कि सरकार की नीयत तो सही थी, जबकि कांग्रेस ने नोटबंदी को लेकर काफ़ी हंगामा किया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशों में भारत पर सवाल उठाते थे, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि श्री गांधी तब ही समझते हैं जब अदालतें उन्हें समझाती हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने राफेल विमान के बारे में भी क्या क्या कहा था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने फैसले से ही वो चुप हुए। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस फैसले के बाद श्री गांधी झूठे लांछन लगाने के लिए देश से माफी मांगेंगे। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया है, ये पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। एक जज ने अपनी टिप्पणी में इस बात को साफ तौर पर कहा है कि संसद को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने पार्टी की ओर से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बात पर फैसला सुनाया है कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करने से पहले RBI एक्ट 1934 की धारा 26(2) को सही तरीके से लागू किया गया था या नहीं। इसमें इससे कुछ भी ना तो अधिक है और ना कुछ कम है। एक माननीय जज ने अपनी असहमति राय में कहा है कि संसद को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए था। जयराम रमेश ने सवाल किया, नोटबंदी करने के जो लक्ष्य बताए थे उनमें से कोई भी लक्ष्य क्या पूरा हुआ? नकली करेंसी का चलन क्या कम हुआ? उस पर कितना अंकुश लग पाया? कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर भारत कितना बढ़ सका? आतंकवाद की फंडिंग क्या बंद हो गई और कितने काले धन का पता लगा? ये महत्वपूर्ण वादे हासिल नहीं किए जा सके। नोटबंदी ने विकास की गति को नुकसान पहुंचाया, छोटे उद्योगों को बर्बाद कर दिया, MSME और अनौपचारिक क्षेत्र खत्म हो गए, लाखों लोगों की रोजी रोटी खत्म कर दी गई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जिन चार जजों ने नोटबंदी की प्रक्रिया को सही ठहराया है, उन चार जजों ने नोटबंदी के परिणाम पर टिप्पणी नहीं की है। हमारी आपत्ति परिणाम पर थी, इसमें MSME सेक्टर तबाह हो गया, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थी। नए साल के दिन एक कार से युवती को 10 से 12 किलोमीटर घसीटने के मामले पर व्यापक आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को पुलिस को इस घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एक नोट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की विशेष आयुक्त शालिनी सिंह इस घटना की विस्तृत जाँच करेंगी, जिसके बाद रिपोर्ट गृह मंत्रालय को तत्काल सौंपी जाएगी। इससे पहले आज दिन में हत्या पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में शहर के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने विरोध कर रहे लोगों को आश्वासन दिया कि पुलिस 5 आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करके एक मिसाल पेश करेगी। नए साल की पहली सुबह ही दिल्ली में एक लड़की के साथ हुए हादसे ने झकझोर दिया। कार लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटती रही। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, फिर सड़क पर लाश पड़ी होने की सूचना मिली। दरअसल लड़की स्कूटी से घर लौट रही थी, कार में सवार कुछ लोगों ने टक्कर मार दी। लड़की कार के निचले हिस्से में फंस गई, कई किलोमीटर तक वो घसीटती गई, इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि जिस कार से हादसा हुआ वो एक मारुति सुजुकी बलेनो थी और उसमें 5 लोग सवार थे। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि कार में सवार लोगों के शराब के नशे में होने की सूचना मिली है और वो पुलिस को समन भेज रही हैं। बाहरी दिल्ली के DCP हरेंद्र सिंह के मुताबिक युवती के शरीर का पिछला हिस्सा और सिर के पीछे का भाग बुरी तरह घिस गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए जा रहे रेप और मर्डर के दावों को खारिज करते हुए कहा, यह सिर्फ एक्सीडेंट का मामला है, पीड़ित के साथ यौन दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। दिल्ली में कार से टक्कर के बाद गाड़ी में फंसकर कई किलोमीटर तक घिसटने से हुई युवती की मौत को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कहा है कि वो अपराधियों की राक्षसी असंवेदनशीलता से
हैरान हैं। उन्होंने कहा कि कंझावला सुल्तानपुरी हादसे से उनका सिर शर्म से झुक गया। उपराज्यपाल ने पीड़ित के परिवार को हर संभव मदद सुनिश्चित करने को कहा और लोगों से एक अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील समाज बनाने की अपील भी की। राजधानी दिल्ली में कार से टक्कर के बाद कई किलोमीटर तक घिसटने से हुई युवती की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी ने LG वीके सक्सेना और BJP पर हमला बोला। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर LG द्वारा इस मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया और ऐसा करने के पीछे कारण बताया कि इस मामले में पांचवें नंबर का आरोपी BJP का नेता मनोज मित्तल है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुल्तानपुरी पुलिस थाने की एक तस्वीर दिखाई जिसमें BJP नेता का एक पोस्टर है। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुरी के पुलिस थाने में मनोज मित्तल बंद है। दिल्ली पुलिस और LG ने ये नहीं बताया कि इस मामले में लीपापोती क्यों की जा रही है, क्योंकि इस पुलिस थाने के बाहर जिसका होर्डिंग लगा है उसके ऊपर लिखा है मनोज मित्तल, जो पांचवें नंबर का अभियुक्त है, इसी थाने में बंद है। उन्होंने कहा कि LG और दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी ने यह बताने की हिम्मत नहीं की ये आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, इनके मंडल का सह संयोजक है। इस केस में लीपापोती इसलिए की जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। आप नेता ने कहा कि BJP नेता की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाए क्योंकि वह लगातार पुलिस और BJP नेताओं से संपर्क में है। आम आदमी पार्टी ने इसके साथ ही केंद्र से LG को भी तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। नए साल के मौके पर बाहरी दिल्ली के कंझावला इलाके में युवती को कार से 10 से 12 किलोमीटर घसीटने की घटना पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के आवास के बाहर आज प्रदर्शन किया। वहीं मृतक युवती की मां ने कहा कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है क्योंकि उनकी बेटी के शरीर पर कपड़े नहीं थे, जबकि आउटर दिल्ली के DCP हरेंद्र सिंह ने कहा ये एक दुर्घटना है और लड़की के साथ किसी तरह के बलात्कार या यौन शोषण जैसी कोई बात सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि कार ने जब लड़की को घसीटा तो उस दौरान उसके कपड़े फट गए और शरीर से निकल गए, लेकिन दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पूछा है कि दिल्ली पुलिस किस आधार पर कह रही है कि युवती से रेप नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस कंझावला कांड को हिट एंड रन केस कहना बंद करे। उन्होंने कहा कि न जाँच हुई न गवाहों से पूछताछ, आपने अपने आप फैसला सुना दिया कि सिर्फ एक्सीडेंट है, आखिर क्या छुपाने की कोशिश है। घटना से आक्रोशित लोगों ने सोमवार को बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि दोषियों ने 10 से 12 किलोमीटर तक युवती को घसीटा। यूपी निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के बिना चुनाव करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। मालूम हो कि यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है। इस मामले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की खंडपीठ सुनवाई करेगी। बता दें बीते मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी निकाय चुनाव के लिए प्रदेश सरकार की ओर से जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था और OBC आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुझाए गए ट्रिपल टैक्स फॉर्मूले का पालन नहीं किया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासी तूफान आ गया। योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया और कहा कि उसकी सुस्ती की वजह से ही ये आदेश आया है, क्योंकि सरकार ने आयोग का गठन कर ट्रिपल टेस्ट का पालन करने के लिए आयोग ही नहीं बनाया, इसीलिए ये आदेश आया। हालांकि आनन फानन में योगी सरकार ने आयोग का गठन भी कर दिया और कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर लिया। बता दें नगर निकाय चुनाव में OBC का आरक्षण तय करने से पहले एक आयोग का गठन किया जाता है जो निकायों में पिछड़ेपन का आकलन करता है। इसके बाद सीटों के लिए आरक्षण को प्रस्तावित किया जाता है। दूसरे चरण में OBC की संख्या पता की जाती है। तीसरे चरण में सरकार के स्तर पर इसे सत्यापित किया जाता है। इसी को ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार 2 जनवरी को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी। बता दें पुरोहित और BJP सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 6 अन्य आरोपी सितंबर 2008 में मालेगांव में हुए विस्फोट के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इस मुकदमे में खुद को बरी किए जाने की मांग के अन्य आधारों के अलावा कर्नल पुरोहित ने दावा किया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC के उचित प्रावधानों के तहत मंजूरी नहीं ली गई।
हालांकि जस्टिस एएस गडकरी और प्रकाश नाइक की पीठ ने उनकी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मंजूरी की जरूरत नहीं क्योंकि वो आधिकारिक ड्यूटी पर नहीं थे। बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के संवेदनशील शहर मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बंधे बम के फटने से 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए थे। मामले की प्रारंभिक जांच करने वाली महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार जिस मोटरसाइकिल में विस्फोटक बांधा गया था वो प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी कि NIA ने बाद में मामले की जाँच अपने हाथ में ले ली। लाइव लॉ के मुताबिक चार्जशीट में पुरोहित और अन्य पर आरोप लगाते हुए कहा गया है वे भारत के संविधान से असंतुष्ट थे और अपना संविधान तैयार करना चाहते थे। पुरोहित कश्मीर से RDX खरीद कर लाए थे। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों के एक समूह ने आज नारायणपुर जिला मुख्यालय स्थित एक चर्च पर सोमवार को हमला कर दिया। ऐसा करने से रोकने आई पुलिस भी इस भीड़ का शिकार हो गई। वहां मौजूद पुलिस बल पर भी भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार सहित कई अन्य पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। घटना बस्तर संभाग के नारायणपुर जिला मुख्यालय के बकरूपाड़ा की है, जहां सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले आदिवासियों का एक बड़ा समूह धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन करने इकट्ठा हुआ, जिसके बाद अचानक से भीड़ उग्र हो गई और उसने चर्च पर हमला कर दिया। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिस बल ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को काबू में लाने की कोशिश की, तो पुलिस भी हमले का शिकार हो गई। बता दें, धर्मांतरण के मामले पर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पिछले कई दिनों से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पाकिस्तान सीमा से लगने वाले संवेदनशील राज्य पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हेलीपैड के पास सोमवार को बम मिला। जिस क्षेत्र में बम मिला वो इलाका हाई सिक्योरिटी वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आवास भी पास ही है। पंजाब और हरियाणा के सचिवालय और विधानसभा भी उस जगह के करीब हैं। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा और पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। एक बम निरोधक दस्ते को तुरंत मौके पर भेजा गया। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान को भी जांच के लिए लगाया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बम कंसल के टी पॉइंट और नया गांव के बीच आम के बागान में मिला। ये इलाका पंजाब और हरियाणा के CM हेलीपैड से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और भगवंत मान के आवास से लगभग 2 किलोमीटर। एक रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है रक्षा बल जाँच करेंगे कि बम कहाँ से आया और पुलिस ये पता लगाएगी कि ये वहाँ पहुँचा कैसे। जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराने और 7 साल की कैद की सजा सुनाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई और जस्टिस विक्रमनाथ की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। बता दें 21 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंसारी को एक जेलर को जान से मारने की धमकी देने और उस पर पिस्तौल तानने के आरोप में 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि एक ट्रायल कोर्ट ने अंसारी को बरी कर दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया था और उसे दोषी ठहराकर 7 साल की जेल की सजा सुना दी, जिसके बाद पूर्व विधायक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।